ये देखें भाई, गुड एफर्ट माच फाउंडेशन के वॉलेंटियर थी। ये बच्चा जो घर में रो रहा था, काफ़ी देर से रेस्क्यू किया होता, इसकी वालदा काम पे गई हुई थी, इधर ही कहीं है इसकी वालदा, उनको भी दिखाते हैं। इस बच्चों को वॉलेंटियर ने रेस्क्यू किया है, 4 घंटे से ज़्यादा हो गया मगर यहाँ पर कोई भी बलदियाती अमला यहाँ नहीं आया। मुतालिका चेयरमैन ज़रूर आए थे मगर बेबसी का इजहार करके चले गए, मशीनरी ना होने की वजह से कोई रेस्क्यू का बंदा नहीं आया। मेले के लोग अपनी मदद आपके दे दिए, काम कर रहे हैं। खुदारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो चेयरमैन है रियान आशी साहब, ये देखें ज़रा इस मसले को, भेजे कुछ टीम, कब तक ये लड़के बेचारे काम करते रहेंगे, इनके पास ना लाइफ जैकेट हैं ना कुछ हैं, इनकी अपनी जान खतरे में डाल के ये लड़के काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मूसा कॉलोनी की हालत, और ये कोई अमला नहीं है इधर, वॉलंटियर हमाद फाउंडेशन के लगे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में, जो लोगों के घर नीचे हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में, लाइफ जैकेट हैं इनके पास। ये देखें आप, ये लम्हा फिक्रिया है, मस्जिद है, मस्जिद भी पूरी पानी के अंदर डूबी हुई है। ये हमारे माशाल्लाह रेस्क्यू के जवान हैं, ये लोग लाइफ जैकेट पहन के अभी पानी में उतरने वाले हैं। ये अभी बाहर आया है 2-3 बच्चों को रेस्क्यू करके। शाब भाई, ये कितना गहरा पानी है भाई? तकरीबन हाथ से 10 फीट से ऊपर पानी है, 10 फीट से ऊपर है पानी। तैरना आइए आपको अंदर वाले लाइफ जैकेट। आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया अंदाजन? 6-7 बंदों को बाहर निकाल के लेकर आए। 6-7 बंदों को बाहर निकाल के आए हो? अच्छा अच्छा। लोगों का सामान था, मोटर थी वो खोला, बच्चों को निकाला, सब बाहर कर दिया। अभी दूसरी शिफ्ट जा रही है रेस्क्यू की। भाई लाइफ जैकेट के ऊपर ये क्यों पहन रहे? लाइफ जैकेट पहनी भाई, डूबने लगो तो सीटी लगी हुई, सीटी बजा दिया। वो कह रहा डूब गया, वो सीटी नहीं बजाई, उसके बाद भी था भाई। क्या बात है, चार बंदे।